गुरुदेव। तैलब की चिंता करना छोड़ दो। चिंतित नहीं गुरुदेव, प्रतीक्षारत हैं हम। संदेशवाहक कब तक तैलब की कोई सूचना लेकर नहीं आया है? तैलब अब वो तैलब नहीं रहा जिसके लिए तुम बचपन में छोटी छोटी बातों पर चिंता किया करती थी। युवा हो गया है अब। तुम्हीने उसे प्रशिक्षण दिया, एक कुशल योद्धा बनाया, एक कुशल राजा बनाया उसे। फिर तुम्हारा ये उपवास क्यों? गुरुदेव, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें परंपराओं की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वाभाविक होती हैं। मन की शांति के लिए, अपने भाई की मंगल कामना के लिए उपवास रखने में हमें शांति मिलती है। तुमने कभी अपने गुरु विनय आदित्य के मन की शांति के विषय में विचार किया है? सोचा है गुरुदेव, विचारा है हमने, और हम जानते हैं कि हमारा विवाह ना करना आपको चिंतित करता है। चिंतित नहीं पुत्री, दुखी हैं हम। एक स्त्री के लिए एक परिवार आवश्यक है। परिवार? आप हैं हमारा परिवार गुरुदेव। तैलप, चकला, सत्याश्रय, ये सब है हमारा परिवार। और इन सबके अतिरिक्त आप एक पुरुष की कल्पना कर रहे हैं, जबकि आप भली भांति जानते हैं कि हमने बिना किसी पुरुष के आजीवन अपने जीवन का निर्वाहन करने का निर्णय लिया है। और जिस दिन आप इस बात को स्वीकृति दे देंगे, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। वढ़ाकुल समर्थ हो राजकुमारी? सब सकुशल तो है, आप जा सकते हैं। पटक मारू, पटक मारू, मारू खटक निशाना, हमको ना बहलाना। जंगल है ये, नहीं है कोई मुसाफिर खाना। झूठा झूठा, रूठा रूठा, कैसा मुसाफिर, कहाँ का मुसाफिर? एक ऐसा मुसाफिर इसे रास्तों का तो पता है, मंजिल का नहीं। पटक बोला, चटक बोला, पर खटक लगाना चा। अगर है सच्चा तो बोल, मंजिल कैसी, कैसा रास्ता? मंजिल वो जो वजूद का पता दे, रास्ते वो जो चलने का मकसद बता दे। अटका है या भटका है या भीतर से चटका है, रास्ता मालूम पर पता मंजिल का नहीं। अटक लगता है मुझको तू पागल है कोई, खटक लगता है भगोड़ा है कोई। भगोड़ा हूं अगर तो
कहां से भागा, किससे भागा? क्या भगाया किसी ने मुझे? और कहां तक भागना है? इस पकौड़े को उसका पता तो बता दे। मैं अटकाऊं ना फटकाऊं तुझको मैं इतना बतलाऊं, चटक चाल से लौट जा उल्टे पाओ। कहां लौट जाऊं मैं, किसके पास? लौट नहीं होता तो अनजाने रास्तों में अनजानी मंजिलें ना तलाशता। बताओ ना मैं लौट कर कहां जाऊं? तू रहा है मुझको खटक, चटक चाल से भाग जा यहां से, मेरा दिमाग मत खा। जहां कहोगी चला जाऊंगा। बताओ ना मैं पटक मारू, पटक मारू, मारू खटक निशाना। नहीं मानेगा? ना टक माने ना पटक माने, खटक भी ना माने ये। जाती हूं मैं, जो होगा तू जाने। मुझसे थोड़ा अटक देखते ही खटक पहचान गई थी, फटक जान भी गई थी, शंका थी कहीं डरेगा तो, पर आशंका थी नहीं लड़ेगा तू। आ गया हूं मैं हमेशा के लिए। क्या हुआ, कब तक यहीं बैठे रहे?
रहना पड़ेगा। बाहर क्या चल रहा है पता तो चले। मौसी मन को ना सही, लेकिन जीवित रहने के लिए तन को भोजन चाहिए होता है। ये सब मैं नहीं खा सकती। मौसी मेरी मुझे खुद समझाने की कोशिश मत करना कोशा। मेरी बुद्धि तो खा चुका है तैलब का सम्मोहन। भरा देव पर भरोसा रखिए मौसी, मैं वचन देती हूँ बस एक बार तैलब राज को वापस आ जाने दीजिए। राजमहल से होकर जो रास्ता कोठे तक पहुंचता है उसे एक दिन कोठे से होकर रनिवास तक ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी कोशा नहीं। आपके संदेश का पड़ोसी राज्यों से उत्तर आया है, वो सब आपके समर्थन में है। उन सब ने ये संदेश भेजा है कि मालवा के विरुद्ध वो सब आपके समर्थन में तैयार है। उनकी योजना क्या है? वो सब मालवा की सीमा पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। राजवैद्य, इनका शरीर स्वस्थ तो है ना? शरीर को कुछ नहीं हुआ है राजमाता, मन स्वस्थ है। सदमा लगा है मन को पृथ्वी के जाने का, किंतु इसका उपाय क्या है? पृथ्वी तो यहां है नहीं। मन के घाव को भरने में समय लगता है महारानी। अगर पृथ्वी आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं आ सकता तो फिर समय ही उपाय है। आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं राजमाता। मैं जानती हूं आप क्या कहना चाहते हैं कल्लारी, किंतु क्या यह संभव है? संभव है राजमाता, आप आदेश दीजिए पृथ्वी को सूचना पहुंचाने की। तलवार चलाने वाले हाथ जलाते हैं चूल्हे की चटक आग। अर्थ कोई क्या, स्वार्थ कोई? ये लो माई, तुम्हारा मनपसंद भोजन तैयार है। पसंद जो करे मेरा मन, या स्वार्थ सिद्ध करने वाला भोजन? सुन ले नगर के निवासी, मैं जंगल की दासी अटक खटक सब जानू। काटे जंगल करे शिकार, प्रकृति से तुम करो ना प्यार। वन प्राणी को मार उतारो उसके खाल, अपने बदन पे डाल, तुम सब इतराते हो। तब समझोगे नगर निवासी, जब अपने पे आन पड़ेगी, आफत में जान पड़ेगी। खाल पहनकर मानुष का जब घूमेगा वन का प्राणी। मेरा शरीर भी तो है खाली है ना माई। एक बेचैन आत्मा की खाल छोड़ आया उस नगर को। छोड़ आया? क्यों छोड़ आया? ना दिल में समाई ना दिमाग में, ये दुनिया समझ ही नहीं आई। पटक मारू, पटक मारू, मारू खटक निशाना। लगता है मुझको अब पड़ेगा तुझको समझाना।
राजा बनना है तुझे, करना है उस दुनिया पे राज, इसीलिए तो तुझे उस दुनिया पे भेजा गया है। अटक सोच ले, चटक सोच ले, खटक समझ ले, नहीं तो नहीं तो क्या माई? ऐसा क्या है जो मैं समझना चाहता हूं लेकिन तुम समझाना नहीं चाहती? भूलना माई, गुरुकुल में तुम इस लकड़ी की तलवार से नहीं बल्कि लोहे की तलवार से खेलोगे। लकड़ी की तलवार हमारे लिए बहुत प्रिय है। इसे खेलते खेलते हमने सबसे पहली बार तलवार पकड़ना सीखा, लड़ना सीखा। इसी तलवार ने हमारे अंदर योद्धा बनने की भावना को जन्म दी है। मैं जानती हूँ पुत्र, उस भावना को मूर्त रूप देने का समय आ गया। पुत्र, तुम जब गुरुकुल से अपनी सामरिक विद्या पूर्ण कर आओगे ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत, एक विशेष राजसी तलवार उपहार में दूंगी, बिल्कुल इस तलवार की जैसी। अब तो आपको इस विशेष तलवार को बनाने के लिए इस तलवार की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो होगी। ये लीजिए माँ, लीजिए, इस तलवार को संभाल के रखिएगा। आज से ये तलवार आपकी। स्मरण, मां की आंखों से अश्रु के रूप में छलक रहे हैं। मन व्याकुल है उसकी एक झलक पाने के लिए, है ना दीदी? तो आप उन्हें बुला क्यों नहीं लेते कुछ दिनों के लिए गुरुकुल से? निश्चित अंतराल पर अपने बच्चों से माता पिता का मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा उनकी उनकी स्मृतियों में हम धुंधले हो जाते हैं। दीदी, इस महल में मां के आंसुओं की पीड़ा समझने वाला भी तो कोई हो लक्ष्मी? धुंधली स्मृतियों के सहारे जीना तो जैसे इस राजघराने की परंपरा बन चुकी है, ऐसे में मुझे भी केवल स्मृतियों का ही सहारा है। हाथ जो बंधे हैं मेरे, हाथ बंधे हैं? किसके हाथ बंधे हैं दीदी? मान्यखेट की महारानी जकला के या एक माँ के? मानती हूँ महारानी, महारानी के हाथ परंपराओं से बंधे हो सकते हैं, पर एक माँ के नहीं। सत्यश्री आपके पुत्र हैं, आपके रक्त हैं, आपने उन्हें जन्म दिया है, उन पर सर्वाधिक अधिकार आपका है। एक माँ ही दूसरी माँ की पीड़ा को समझ सकती है। Thank you.
मातृत्व का अनुभवी ना, और ना ही जिसने माँ की ममता को जाना, वो किसी माँ की पीड़ा को कैसे समझेगी। आपको नहीं लगता दीदी कि ऐसी परिस्थितियों में एक माँ को अपने अधिकारों की चर्चा करनी चाहिए, अपने अधिकारों का हनन होने से उसे बचाना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो दीदी, रिहर्स तो करना ही चाहिए। यूं एकांत में अपने अश्रुओं को बहाना हम राष्ट्रकूट की बेटियों का स्वभाव नहीं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मान्यखेट की बहू ने राजकोट की बेटी की भावनाओं को बदल दिया? नहीं नहीं लक्ष्मी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी परंपराओं को नहीं भूली हूं, लेकिन तुमने सही कहा, राष्ट्रकूट की बेटी की आंखों पे मानिकेट की बहू ने कंधे का पर्दा डाल दिया था कि आज तक मैंने अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का प्रयास ही नहीं किया। तो क्या अभी भी आप प्रतीक्षा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज और अभी इस संदर्भ में ही बात करूंगी। हम भी तो देखें कि महारानी जकला के पुत्र और हमारे होने वाले दामाद कैसे हैं। एक बार उन्हें सामने से देख परख तो लें। क्षमा करना दीदी, हम नहीं चाहते कि आप जैसा हश्र हमारी विलास का हो। महाराज कुछ कहना चाहता हूं। तैलप राज मालवा के बाहर बहुत बड़ी सेना के साथ पड़ाव डालने वाला है। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? सैनिकों को संगठित कीजिए, अमूला सोलंकी को भी संदेश भेजिए, पता कीजिए उनकी सेना कहां पहुंची। आक्रमण की तैयारी करो। माँ, खुशी से आपका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे कोई विशेष बात हो। हाँ, बात तो विशेष है, परंतु केवल हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। अच्छा, क्या है? यदि सब कुछ ठीक रहा ना विलास, तो बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात मानिकेट के भावी राजा, तुम्हारे होने वाले पति राजकुमार सत्यश्रेय से होगी। हमें तो उत्सुकता केवल ये जानने की है कि जिन्हें हम अपने जीवन की जमा पूंजी अपनी अमानत सौंपने जा रहे हैं, वो कितनी योग्य है, इस राजवंश के कौन कौन से गुण हैं उनके भीतर। पिता तैलप राज के समान संवेदनशील है वो, या माता जकला के जैसे सहनशीलता से भरपूर, या फिर बुआ मृणालवती के जैसे रणनीति और राजनीति में संपूर्ण उसके प्रति समर्पित, या फिर ये तीनों ही गुण है उनके भी। हमें तो केवल ये सुनिश्चित करना है कि मान्यखेत राज्य में हमारी बेटी विलास का भविष्य कितना उज्जवल है। हमारे लिए कोई विशेष आदेश? हाँ है ना, आप जैसी है बिल्कुल वैसी ही बनी रहे, हमें पूरा विश्वास है राजकुमार सत्यश्री आपको देखते ही पसंद कर लेंगे,
और ऐसे हो सकता है कि कोई हमारी गुड़िया से एक बार मिले और उनसे बार बार ना मिलना चाहे। जाओ जाकर तैयार हो जाए। रानी को तैयार। पृथ्वी के आखिरी शब्द तो याद है ना तुम सबको, मालवा की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। राजा गया, उस पर जान निछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इस सेना मालवा की नहीं पृथ्वी वल्लभ की वफादार है। सत्य कह रहा हूं ना मैं सेना अध्यक्ष कलारी। और मुंज की वफादारी अब मालवा के प्रति तो रही नहीं, इसीलिए सेनाध्यक्ष कलारी मुंज की गठित सेना इस युद्ध में शामिल नहीं होगी। इन्हें नगर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा, नए तालाब खुदवाने का दायित्व होगा इनका। राजकुमार सिंधु, सेना राज्य की होती है, ये मालवा के सैनिक हैं। एक एक सैनिक अपने आप में 100 के बराबर है। कोई तर्क मेरा फैसला नहीं बदल सकता। इस युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार मुझे सौंपा गया है और ये मेरा पहला आदेश है आपके लिए। मालवा विजयी हो। मालवा विजयी हो। मालवा विजयी हो। सत्याश्रय आपके पुत्र हैं, आपके रक्त हैं, आपने उन्हें जन्म दिया, उन पर सर्वाधिक अधिकार आपका है। यूं एकांत में अपने अश्रुओं को बहाना हम राष्ट्रपति के बेटियों के स्वभाव तो नहीं। अभी भी आप प्रतीक्षा करेंगे? आपके कक्ष में आने की अनुमति है मुझे? आप संदेशा भिजवा दिया होता हम स्वयं चले आते। समय आ गया है मेरे बेटे सत्याश्रय को राजधानी बुला लिया जाए। नहीं, हमें नहीं लगता कि उसका बीच में अपना अध्ययन छोड़कर आना उचित होगा। एक मां का हृदय हम समझ सकते हैं, अब जाकर उसे मिलकर आ सकती हैं। अगर मुझे जाना होता तो मैं आपसे पूछने नहीं आती। आपका तात्पर्य? एक मां को अपने बेटे से मिलने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता तो होती नहीं है। मैं सत्याश्रय से सिर्फ मिलना नहीं चाहती। हम समझे नहीं। मैं अपने पुत्र को यहाँ अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, इस राजमहल में। आपको नहीं लगता कि मान्यखेट के भावी राजा को इस राजमहल में रहना चाहिए, यहाँ की राजनैतिक गतिविधियों को समझना चाहिए? नहीं, हमें नहीं लगता कि सत्याश्रय इस योग्य हुआ है कि मान्यखेट की राजनैतिक गतिविधियों को समझ सके। अभी उसका गुरुकुल में रहना ही ठीक होगा और समय आने पर हम स्वयं उसे यहाँ बुला लेंगे। समय आने पर मान्यखेट में तो समय भी राजकुमारी मृणाल के इशारों पे चलता है। यहाँ तो वक्त पे भी आपकी पाबंदी है। वक्त पर हमारी पाबंदी नहीं है, हम वक्त के पाबंद हैं और इसी में मान्यखेट की भलाई है। तो क्या मेरी भलाई में मान्यखेट की भलाई नहीं है? मान्यखेट हमसे है या हम मान्यखेट से है? लगता है आप अब तक मान्यखेट को पूरी तरह से अपना नहीं पाई हैं। आपका तात्पर्य? तात्पर्य कि आप मान्यखेट की बहू तो बन गई हैं लेकिन बेटी नहीं बन पाई हैं, वरना इस तरह की बातें नहीं कर। राजकुमारी, रिश्ते नातों को राजनीति के तराजू में मत तोलिए। संबंधों की मौलिकता खो जाएगी, भावनाओं की
हत्या हो जाएगी। आप क्या समझेंगे संबंध हो और भावनाओं को? आपने तो स्वयं अपनी भावनाओं की बलि चढ़ा रखी है। संबंधों को अपने अधिकारों पर ही रौंद रखा है। आप अपनी सीमा रेखा पार कर रही हैं महारानी चकला। महारानी? कहाँ की महारानी? राजकुमारी मृणाल की इच्छा के बिना, जिसे इस राजमहल में स्वयं के बारे में सोचने की भी स्वतंत्रता नहीं है। महारानी कह के मुझे अपमानित मत कीजिए। हमारे लिए मान्यखेट व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर है। आप नहीं समझेंगे। अपने प्रतिशोध की आग में आप अकेली नहीं जल रही है। उसकी आंच में, इस राजमहल में संबंधों की चिताएं भी सुलग रही है। आप उस दिन समझेंगी राजकुमारी, जिस दिन आप स्वयं किसी रिश्ते में बंधेंगी। आपकी भावनाओं की डोर किसी और के हाथ में होगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो दिन जल्द से जल्द आए। इसे मेरी दुआ समझ सकती है। लगता है आप मेरे फैसले से सहमत नहीं हैं। नहीं युवराज, मेरी खुशी तो सिर्फ और सिर्फ मालवा की रक्षा है। आपका यह निर्णय मैं कैसे मानूं? जिन सैनिकों को आपने युद्ध में ना जाने का निर्देश दिया है, उन्हें पृथ्वी वल्लभ ने कई सालों तक कड़ी मेहनत करके मालवा की रक्षा के लिए तैयार किया है। और युवराज, ये विशेष सैनिक मालवा के लिए अपनी जान गंवाना अपना धर्म समझते हैं। वो शक्ति है मालवा की। युवराज, इन्हें युद्ध में जाने की अनुमति दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। वो मालवा के सैनिक नहीं है, पृथ्वी वल्लभ के सैनिक है, एक राजद्रोही के सैनिक। युवराज, आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप मालवा के भावी सम्राट के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूं युवराज, लेकिन लेकिन हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। आप सैनिकों की बात करने आए थे ना? अब मेरा अगला आदेश सुनिए ध्यान से। अब वो सैनिक तो क्या, आप भी उस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि इस बार युद्ध का नेतृत्व मेरा प्रधान करेगा। क्षमा चाहता हूं युवराज, लेकिन आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भूल तो आप कर रहे हैं मेरे निर्णय का विरोध करके। मेरे निर्णय को मेरा आदेश समझा जाए। ये क्या है? हम क्यों बताएं? हम नहीं बताएंगे। हम नाराज हैं आपसे। ओहो, आप नाराज हैं हमसे? जरा हम भी तो देखें कि आप गुस्से में कैसी लगती हैं। अरे रे, इतना गुस्सा, हम तो डर गए। मजाक मत उड़ाइए आप हमारा। अच्छा, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। अब हमें बताइए कि इतना सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता किसके लिए है? आपके लिए। और आपको पता है ये बाकी सभी गुलदस्तों से अलग है। इसमें कुछ ऐसा विशेष है जो बाकी गुलदस्तों में नहीं होता। विशेष? हम नहीं।
नहीं समझ पा रहे कि इसमें क्या विशेष है, आप ही हमें बता दीजिए। हम बताते हैं, आप रुकिए। ये कविता देखिए, गुलमोहर हर श्रृंगार और पलाश के फूल जिस मौसम में दिन रात बरसेंगे, बारिश की तरह उस मौसम में मैं मिलूंगा तुम्हें। उस अगले मौसम तक मैं करूंगा तुम्हारी प्रतीक्षा। आपको पता है इस गुलदस्ते में मैंने गुलमोहर हर श्रृंगार और पलाश फूल डाले हैं। इस तलवार के स्वामी की प्रेम कविता का प्रतीक है ये गुलदस्ता। राजकुमारी क्या हुआ? इस तलवार को अभी इसी क्षण गोदावरी में प्रवाहित करो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ कविता ही तो पढ़ी थी हमने। आप नहीं समझे, आपने पृथ्वी वल्लभ की कविता को पढ़ा है। अच्छा आप ये तलवार हमें दे दीजिए, हमें इस पे लिखी कविता बहुत प्यारी। शस्त्र और साहित्य का इतना अनोखा नमूना हमने पहले कभी नहीं देखा। अब ये तलवार केवल नदी की धार के हवारी ही जाएगी। इतनी अनोखी चीज को आप लोग नष्ट कर देंगे? हम आपसे विनती करते हैं, मैं इसे छुपा के रखूंगी। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे ये तलवार दी है। आप जानती नहीं, अगर इस तलवार को आपकी बुआ ने देख लिया तो क्या होगा? इस महल में भूचाल आ जाएगा। रुकिए, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो? मृणाल बहू को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, हम वचन देते हैं। हम इस विश्वास पर दे रहे हैं कि आप आपका वचन निभाएंगे। बिल्कुल। और किसी भी हाल में इस तलवार को आपकी बुआ के सामने नहीं आने देंगे। ये लीजिए, अब छुपा के रखिए इसे। युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधान। तुम्हारे और कल्लारी के होते हुए युद्ध का नेतृत्व प्रधान कर रहा है? क्या हो गया तुम्हें? मालवा को सुरक्षा का वचन दिया है तुमने, कल्लारी को युद्ध में जाने से रोका, अपने अहंकार में भूल गए हो कि लाखों सैनिकों के साथ आया है वो। पृथ्वी नहीं है, मेरा आदेश है कि कल्लारी को युद्ध पे भेजो या स्वयं जाओ। मुझे अपने प्रधान पर विश्वास है, कल्लारी और आपके उस पृथ्वी पर नहीं।
चित्र को अभी इसी क्षण जला दिया जाए। ठहरो, इस चित्र को समूचा हमारे समक्ष जलाया जाए। सुलोचना, इस राजमहल में क्या होना चाहिए और किस चीज की आवश्यकता नहीं है, इसका ख्याल तुम्हें होना चाहिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सुलोचना, विलास ने तलवार पर लिखी हुई कविता हमें सुनाई, हमने उसे क्षमा कर दिया। बोली है वो, परंतु आज से ऐसा कुछ ना हो इसका उत्तरदायित्व तुम्हारा है सुलोचना। जानता हूं मैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे ही पास है। माई बताना, किसे आवश्यकता इस मुंज की? कौन हूं मैं, किस लिए हूं, क्या औचित्य है मेरा, बताना। बोलना माई। उस रात किसका बच्चा है ये? अरे किसका बच्चा है? कांच की विसरी समर्थ हो।